बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूएई वर्क परमिट के वाले से एक बड़ी खबर आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। खलीज टाइम के रेफरेंस से आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। खलीज टाइम पर यह आर्टिकल आया है कि वर्क परमिट का जो प्लान है वो अब 2 साल के बजाय 3 साल का कर दिया गया है और FNC ने इस प्रपोजल को अप्रूव कर दिया। FNC क्या है? फेडरल नेशनल काउंसिल, उसने ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। और इससे पहले ऐसा होता था कि यूएई का जो वर्क वीज़ा है, जिसे आप रेजिडेंसी वीज़ा भी कहते हैं या वर्क परमिट कहते हैं, वो 2 साल का होता था। आप हर 2 साल के बाद आपका वर्क परमिट न्यू जारी होता था, लेकिन अब 2 साल की जगह पर 3 साल का वर्क परमिट जारी हो सकेगा। कंपनीज ने रिक्वेस्ट की थी ये कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो 2 साल के बजाय वर्क परमिट का जो टेन्योर है उसको बढ़ाया जाए और 3 साल का वर्क परमिट जारी किया जाए। तो अब कंपनीज़ के पास ये अख्तियारात आ गए हैं और अप्रूवल होने के बाद अब कंपनीज़ के पास ये अख्तियारात होंगे कि वो चाहें तो 2 साल का और अगर चाहें तो 3 साल का वर्क परमिट अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको वो दे सकते हैं। इसके ज़रिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपके लिए भी। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट थी। ऐसी मज़ीद अपडेट आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा।